रौना में बन रही अवैध शराब प्रशासन को कोई नहीं है खबर। आबकारी निरीक्षक की टीम ने रौना चौकी से चंद कदम दूरी पर बरामद की सैकड़ों लीटर लहन अवैध शराब। कारोबारी के घर में शराब बनाने के उपकरण व कच्चा माल बरामद। आबकारी टीम ने नष्ट की बरामद लहन, किया जा रहा मुकदमा दर्ज। पंचायत चुनाव व आगामी त्योहारों को लेकर की जा रही थी छापेमारी। पूर्व में घाटमपुर क्षेत्र में जहरीली शराब के प्रकोप के चलते गंभीरता से हो रही जांच। घाटमपुर कस्बे के शराब की दुकानों पर भी किया आकस्मिक निरीक्षण। आबकारी निरीक्षण के आकस्मिक निरीक्षण से कस्बे के शराब दुकानदारों में मची अफरा तफरी। घाटमपुर थाना क्षेत्र के रौना कस्बे का मामला। घाटमपुर से मोहित सिंह ठाकुर की खास रिपोर्ट। प्रमुख सचिव आबकारी द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, चूँकि क्षेत्र में पंचायत चुनाव और होली का त्यौहार सनिकट है, तो अवैध शराब के निर्माण की जो जो संदिग्ध स्थल हैं, ग्राम हैं, वहाँ पे आबकारी पुलिस की टीम के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने रौना में दबिश दी। रौना में कैलाश सन ऑफ विश्राम के घर पर हम लोगों को भारी मात्रा में लहन और शराब की बरामदगी, साथ ही शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। करीब 1000 किलो लहन है, 30 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, एक सिलेंडर है और उपकरण जो भट्टी वट्टी होती है वो सारी चीज़ें बरामदगी हुई है। उसके आधार पे कैलाश के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60-62 में मुकदमा पंजीक्रत कराया जा रहा है। क्या इसके क्रम में क्षेत्र में भी कोई कार्रवाई की जा रही है? अब चूँकि काफ़ी अच्छी मात्रा में माल बरामदगी हुई थी, तो आज वहीं पे किया गया। बाकी शराब की दुकानों को भी चिन्हित करते हुए चेकिंग की जा रही है कि कहीं से कोई अवैध माल या किसी और प्रकार का माल, अब मिश्रित माल की बिक्री ना होने पाए। क्या